जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूनिक मेडिसिन यूट्यूब चैनल। और गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेडिकेशन सैक्निडाजोल टैबलेट के बारे में। तो ये जो मेडिकेशन सैक्निडाजोल टैबलेट है, ये इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग बनाया गया है। 1 ग्राम का टैबलेट है, यानी एक टैबलेट का जो स्ट्रेंथ है वो 1 ग्राम का है। दोस्तों, ये जो मेडिसिन है वो एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, और जनरली इसका जो यूज है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट करने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, जब किसी को पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाता है तब उस समय भी डॉक्टर इस मेडिसिन को देते हैं। दोस्तों, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे कि हम बात करें कि अगर किसी व्यक्ति को बैक्टीरिया की वजह से किसी भी तरह का इन्फेक्शन हुआ है, तो चाहे लंग्स का इन्फेक्शन हो, यूटीआई की प्रॉब्लम हो यानी पेशाब से संबंधित इन्फेक्शन हो, और इसके अलावा दोस्तों एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो सकता है पेट में, आंतों में, तो इस तरह के जो भी बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होते हैं उनको ठीक करने के लिए ये मेडिसिन काफ़ी कारगर है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें पैरासाइटिक इन्फेक्शन को ये ठीक करती है, तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन क्या होता है कि जब कोई कंटामिनेट फूड यानी कोई दूषित खाना खा लेता है, या कंटामिनेट वाटर या जूस यानी कोई दूषित पानी पी लेता है, या कोल्ड ड्रिंक जो ख़राब हो जाती हैं, या जूस कोई ख़राब हो जाता है उसको पी लेता है, तो उसकी वजह से पेट के अंदर जो है पैरासाइटिक इन्फेक्शन फैलता है, जिसमें व्यक्ति को दस्त लग सकते हैं, उसको पेचिस हो सकती है, और पेचिस में खून भी आ सकता है यानी ब्लड वाली पेचिस हो सकती है, तो ब्लडी डिसेंट्री जिसको बोलते हैं वो भी हो सकती है। तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनको डॉक्टर ये मेडिसिन यूज़ कराते हैं। गाइस, तो ये जो मेडिसिन है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पैरासाइटिक इन्फेक्शन, इन सभी इन्फेक्शन के लिए काफ़ी असरदार है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने नॉर्मली बहुत सारी टैबलेट देखी होंगी जो कि 100 mg, 200 mg, 500 mg, 300 mg इस तरह की स्ट्रेंथ में आती हैं। गाइस, कुछ टैबलेट 1000 mg यानी 1 ग्राम की स्ट्रेंथ में भी आती हैं। तो ये जो टैबलेट है वो 1 ग्राम का है, यानी इसके अंदर अगर कोई एक टैबलेट लेता है पेशेंट तो उसको 1 ग्राम मेडिसिन मिलती है। तो ये 2 टैबलेट का पैक है। गाइस, बात करें इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर सैक्निडाजोल टैबलेट, यानी सैक्निडाजोल इसका फार्माकोलॉजिकल नेम है, जो दवाई का मूल नाम है। टैबलेट की फॉर्म में इसको बनाया है इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग, और 1 ग्राम का एक टैबलेट है। सैक्निल फोर्ड इसका ब्रांड नेम है, जो कि एवर्ट कंपनी इसको बनाती है और इसके द्वारा दिया गया अपना नाम है। दोस्तों, यहाँ इस हर एक फिल्म कोटेड टैबलेट का कंटेन है कि इसके अंदर सैक्निडाजोल 1 ग्राम है, बाकी इसके अंदर कलर है, एक्सिपिएंट्स वगैरह मिलाए गए हैं जो कि इस मेडिसिन को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। दोस्तों, हमेशा डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन रहेगी, कभी भी आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, और इसको जहां पर आप स्टोर करते हैं उस जगह का टेम्परेचर 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे टैबलेट सिरप सस्पेंशन पर ये इंस्ट्रक्शन रहता है कि 25 डिग्री या 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये मेडिसिन हाई टेम्परेचर में रहेगी यानी 30 या उससे ज़्यादा टेम्परेचर पर रहेगी तो ये ख़राब होने लगेगी, और इसकी जो पोटेंसी है वो अपने आप में डिक्रीज हो जाएगी और मेडिसिन फिर जो है पूरी तरह से फ़ायदे नहीं करेगी। तो इसलिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन रहता है कि इसको एक सही टेम्परेचर पर आपको स्टोर करना है। रेड स्ट्रिप शेड्यूल H कैटेगरी वाला ड्रग है, तो कभी भी खुद से ना लें, और मेडिकल स्टोर इसको ऐसे खुद से ना सेल करें, हमेशा डॉक्टर के पर्चे पर सेल करें। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर देख सकते हैं, बाकी ये अबॉट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाई गई है। यहाँ MRP सेक्शन की अगर हम बात करें तो 175 में ये आपको 2 टैबलेट मिलती है, काफ़ी महंगी है दोस्तों, और यहाँ इसका एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह आप देख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें इस टैबलेट के बारे में हो जाती हैं। तो गाइज़, ये था सैक्निडाजोल टैबलेट का एक जानकारी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा, वीडियो आपको पसंद आएगा, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको ऐसे ही वीडियो आने वाले समय में मिलते रहें। तो दोस्तों, मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, सेफ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।